नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट फेज 3 के एडमिट कार्ड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको यूजीसी नेट फेज 3 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है। तो आपको बता दें, यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम या अन्य कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पर सर्च करना है educationindialive.com। आपको क्या सर्च करना है, तो आपको सर्च करना है educationindialive.com। गूगल में ये सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर जो सबसे ऊपर वेबसाइट आपको देखने को मिल रही है, इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो आप देख पाएंगे यूजीसी नेट फेज वाइज एडमिट कार्ड 2023। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। पोस्ट दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे यूजीसी नेट फेज 3 एडमिट कार्ड 2023 डायरेक्ट लिंक। आपको क्या करना है, आपको इस फेज 3 एडमिट कार्ड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ को आप फिल कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे और जो कैप्चा कोड इस बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है उसे आपको एज इट इज फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। इसे किस प्रकार से फिल करना है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर ए के अंदर। तो ए के अंदर अगर आपको कोई भी इनमें से सिम्टम है तो आपको उस पर टिक कर देना है और अगर नहीं है तो आपको इन्हें खाली ही छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे बी के अंदर, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ रहे हैं, वो भी 15 मिनट से ज़्यादा। अगर आप रहे हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। सी की बात करें तो सी जो है वो बी के बिल्कुल ऑपोजिट है, ऐसे में आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आप नो करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ होगा अंडरटेकिंग सबमिटेड सक्सेसफुली डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। इसे पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए ऊपर दिखाई दे रहे डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। ये अब एडमिट कार्ड आपके फोन में पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये थी पूरी जानकारी यूजीसी नेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी न जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।